शिक्षक दिवस पर सभी स्कूलों में जहां छात्र छात्रा अपने गुरु यानी कि शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान कर आशीर्वाद ले रहे थे, वहीं भागली विकास खंड के आखिरी छोर के ग्राम सीतापुरी के माध्यमिक स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल पर 10 शिक्षक शिक्षिकाएं उक्त पर्व पर पलिता लगाते हुए नजर आए। छात्र छात्राएं तो सही समय पर स्कूल पहुँच गए, लेकिन एक भी शिक्षक शिक्षिका उक्त विद्यालय नहीं पहुँचे। आपको बता दें कि दोनों स्कूल एक ही परिसर में संचालित हो रहे हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं के विद्यालय नहीं पहुंचने की जानकारी लगने पर जन शिक्षक रघुनंदन वासुरे पहुंचे तो बच्चे अकेले बैठे हुए नजर आए। हालांकि अधिकारी ने पंचनामा बनाकर संबंधित लापरवाह शिक्षक शिक्षिकाओं के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। मिली जानकारी के अनुसार उस दिन छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन भी नहीं मिला। बागली से लोकेश राजपूत की रिपोर्ट। कहां गए सर? क्या पता सर, कब से नहीं आए सर? बहुत दिन हो गए। सर रोज ही नहीं आते? जी सर। स्कूल कौन खोलता है? सर कभी कभी आता है, स्कूल खुलने तक आता है। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं? जी सर। तो फिर तुम लोगों को पढ़ाई कैसे होती है? सर हमको ऐसे बैठी रहता है सर। कितने सर आते हैं यहाँ पे पढ़ाने? दो। अभी दोनों नहीं है? आज दोनों ही स्कूल नहीं आए? जी सर। क्या नाम है आपका? रजनी। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तीसरी। सर सीतापुरी के मिडिल स्कूल में एक भी टीचर उपस्थित नहीं है, इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी? जाओ, मैं अभी उपस्थित हुआ 1:10 पे, देखा तो एक भी टीचर उपस्थित नहीं था। उनका पंचनामा बना लिया बैठ के और गाँव वालों और बच्चों से पूछा है, टीचर आते नहीं समय पर, मध्याह्न भोजन भी इसी कारण आज नहीं बना है, अतः उनका पंचनामा बना करके योग्य कार्रवाई हेतु संकुल प्राचार्य उदयनगर और BRC बागली को प्रेषित किया गया। क्या नाम है आपका? कौन से? रघुनंदन वासुरे, CAC पांडुतलाव।